एक बड़ी खबर किसान सम्मान निधि के पात्रों के लिए, जिनके खातों में केंद्र सरकार की ओर से 12वीं किस्त दी गई है। अब जिनके खातों में पैसे आ गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं तो ये खबर जरा गौर से सुने। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए यानी सालाना 6,000 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाता है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं किस्त जारी कर दी है। किसान सम्मान निधि प्राप्त करने में आ रही परेशानियों के निस्तारण के लिए अब आपको कार्यालय के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उप कृषि निदेशक के दफ्तर के साथ ही सभी ब्लॉक में संचालित बीज भंडार केंद्रों पर कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क की शुरुआत कर इनके मोबाइल नंबर और कर्मचारियों का नाम जारी किया गया है। इस पर किसान सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकेंगे। इसी कड़ी में बता दें कि हापुड़ के उप कृषि निदेशक डॉक्टर वीबी द्विवेदी ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हापुड़ स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय में कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसमें पहली पाली में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक मोबाइल नंबर 7011771438 या फिर 7398790565 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए प्रथम पाली में प्रवीण कुमार और विजय यादव को नामित किया गया है और दूसरी पाली में दोपहर 2 से रात 8 बजे तक मोबाइल नंबर 8052860330 या फिर 9838528848 पर किसान संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अब तक 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है और ऐसे में आप किसान योजना के टोल फ्री नंबर, आप कहीं से भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है 1800115226। आप इस पर कॉल कर मदद मांग सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर किन कारणों से पात्रों की किस्त अटक जाती है या फिर उन्हें मिलने में दिक्कत हो रही है। सबसे पहले नाम आता है ईकेवाईसी का। जी हाँ, ईकेवाईसी करवाने के बाद भी अगर किस्त के पैसे अटक रहे हैं तो इसके पीछे हो सकता है कि आपके फॉर्म में और आधार कार्ड में आपका नाम गलत हो। ऐसे हालातों में भी किस्त के पैसे अटक सकते हैं। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और आपके बैंक खातों में अभी पैसे नहीं आए हैं तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। दरअसल आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अभी लाभार्थियों के खाते में धीरे धीरे पैसे पहुंच रहे हैं। ऐसे में आप थोड़ा इंतजार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी हो गई है और इस योजना के तहत इस बार 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए DBT माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।